समय मैं 90 चौराहे के पास खड़ा हुआ हूँ और आलमबाग समर विहार से मैं यहाँ मात्र 15 मिनट में यामा एरोक्स चला के आया हूँ। बहुत अच्छी, हाँ मैं VIP रोड से आया था और पीछे पीछे वाले रास्ते से आया हूँ और चलने में बहुत अच्छी है स्कूटी और लॉन्ग ड्राइव भी इससे अच्छी कर सकते हैं। मैं जावा भी चलाता हूँ और इसको भी चलाता हूँ, यामा एरोक्स, दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। यामा स्कूटी तो बिल्कुल बाइक और स्कूटी दोनों को मज़ा देती है, कोई शक नहीं। देखने में बाइक लगती है लेकिन चलने में स्कूटी और बाइक दोनों का मज़ा देती है। नाइस, वेरी नाइस। पैसा डालना बहुत अच्छी बात रही, उसको बहुत आराम से उसको यूज किया जा सकता है। मैं उसको चल रहा हूँ, धीमी रफ्तार में चला रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाना थोड़ा कठिन काम होता है। रास्ते बहुत अच्छे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि अगर स्कूटी और बाइक दोनों का मज़ा लेना है एक ही चीज़ में, तो यामा एरोक्स 155 लेटेस्ट कूलिंग में खरीद सकते हैं जो इस समय मार्केट में 170,000 के आसपास आता है। और सबसे आप लिक्विड फ्यूल इंजन होने से ये फ़ायदा है कि नॉन स्टॉप आप 600-700 किलोमीटर चलाते चले जाओ, चलते चले जाएगी। हाँ, मुझे बस एक शिकायत है इससे, इतनी अच्छी स्कूटी होने के बाद क्योंकि पेट्रोल टैंक बहुत छोटा दिया है, कम से कम 8-9 लीटर का पेट्रोल टैंक होना चाहिए, जैसा कि एप्रिलिया 160cc में 7.5 लीटर का टैंक है। अगर 7.5-8 लीटर का टैंक हो जाए तो कम से कम 250 किलोमीटर तक तो आदमी चला के जा ही सकता है। अब ये आप मैं रखता हूँ, मुझे आगे जाना है। यस, बाय हरे, बाय टू आगे। और मेरी फिर से यही राय है कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं, बाइक और स्कूटी का मजा और तेज चलाने का मजा लेना चाहते हैं, तो बाइक में जावा और स्कूटी और बाइक दोनों कम्बिनेशन जो है यामा एरोक्स, उनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं।